जी ये था शाम का टाइम और मेरे मियाँ ये चंद एक चीज़ें लाए थे जिसमें ब्रेड थी, टमाटो थी और पोटैटो थी। बस जी मैंने ये जल्दी से समेटी, उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जी फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट की। बस जी अफ्तारी की तैयारी मैंने स्टार्ट की ही थी कि गाँव से ये खबर आ गई कि हमारी जो करीबी अजीज़ा है उनकी हो गई है अचानक से डेथ। तो बस जी अब हमने निकलना था गेहूँ, लेकिन उससे पहले जी मैंने करनी थी अफ्तारी की तैयारी। लेकिन अब मैंने वो चीज़ें जी अफ्तारी में बनानी थी कि जो जल्द अज जल्द यानी कम टाइम में मैं बना सकूं। तो बस जी अब ये चीज़ें समेटने के बाद मैंने ये बस दही बड़े बनाए और ये मैंने कुछ फल जो है ना वो काट लिए थे और ये जो फ्रूट चाट थी ये मैंने थोड़ी सी बनाई। बस ये दो तीन चीज़ें थी जो मैंने जल्दी से ये रेडी की। अच्छा ये जो व्लॉग है ये जी 4-5 दिनों का है और इन 4-5 दिनों में जो भी मैं छोटे छोटे क्लिप्स मैं शूट कर सकी वो आज आपको एक व्लॉग की सूरत में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं कोई डिटेल के साथ जो है ना वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर सकी इन 4-5 दिनों में, क्योंकि जब से मैं गाँव से वापस आई हूँ ना मेरी तबीयत इस कदर ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मैंने वीडियो आज मैंने किस तरह से अपलोड की है ये मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ कि ये उस दिन जी रात 9 बजे का था जब हम लोग यहाँ से निकले हैं। बस जी हमने जाना था अपने ब्रदर इन ला के बेटे के साथ, तो बस उसको थोड़ा आने में टाइम लगा, तो बस फिर हम 9 बजे यहाँ से निकले हैं और वहाँ जाके हम 1:15 रात के जहाँ गाँव में जाके पहुँचे थे। अच्छा जी दूसरे दिन 12:30 बजे जनाजा था और जनाजा अटेंड करने के बाद जी फिर हम लोग चले गए फूफो से मिलने। मेरी जो फूफो है वो काफ़ी सीरियस किस्म की बीमार है, काफ़ी टाइम से बीमार है, तो बस उनसे मिलना भी जी ज़रूरी था। बस अम्मी भाई और हम सिस्टर हम लोग फिर फूफो के पास चले गए, रात फिर हम उन्हीं के पास रहे। बस फिर रात को ही जो मेरे मियाँ थे और मेरा छोटे वाला बेटा भी साथ गया था, मेरे मियाँ ने कहा कि हम कल जो है ना वो रहने का हमारा प्रोग्राम है, आप इन्हीं के साथ चले जाओ। तो बस फिर हम लोग जो है ना सैरी करने के बाद सुबह फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग निकल आए थे। तो बस ये रास्ते से फिर मैंने भाई को बोला कि यहाँ से मुझे गाड़ी भी बैठा दें। भाई ने कहा कि हमारे साथ चली चलो, कल मैं आपको चल के छोड़ आऊँगा। लेकिन क्योंकि मेरी जो है ना असल में बड़ी वाली बेटी के थे पेपर स्टार्ट और उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी सैरी अफ्तारी जो है ना बनानी, और बस के फिर मैं इसलिए जल्दी जो है ना वो गाँव भी नहीं रही निकल आई। तो बस यहाँ ऑलमोस्ट 2 बजे से ऊपर का टाइम था और लास्ट फ्राइडे था जब यहाँ मैं पहुँची हूँ, जिसका मुझे बेहद अफसोस था कि बस बामुश्किल आके मैं जोहर की नमाज जो है वो मैंने पढ़ी। और उसके बाद जी मेरे ये देवर का फिर फ़ोन आ गया कि आपने अफ्तारी नहीं बनानी, अफ्तारी हम लोग बना के लाएँगे। तो बस जी ये आज अफ्तारी जो है ना वो देवर देवरानी की तरफ से थी, बहुत ही मज़े की चीज़ें थी सब, फ्रूट चाट थी और उसके बाद जी पकौड़े समोसे थे और ये बिरयानी थी। बिरयानी इतनी मज़े की थी, कुकिंग तो खैर वो बहुत अच्छी करती है लेकिन बिरयानी जो है ना वो बहुत ही कमाल की बनाती है, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये जी मेरे बच्चे जो है ना वो दोनों बड़े वाले आज थे गायब, क्योंकि उनकी बाहर अफ्तारी थी, कोई प्रोग्राम भी था जिस पे उन्होंने अपनी कज़नों को भी बुलाया हुआ था। ये जी वो चीज़ें जो खाते रहे, फ्राइज़ वगैरह जो बच गए थे वो घर लेके आए थे। तो आज मेरे जो है ना भतीजे भी थे, भांजे भी थे, बस कोई प्रोग्राम था जो उन्होंने अटेंड किया। रात को वो 12 बजे ये लोग आए हैं और उसके बाद जी इन लोगों ने मुझे बोला कि आपने सैरी जो है ना वो नहीं बनानी हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ खा पी लिया है कि आप हम लोग सैरी नहीं कर सकते। बहरहाल मुझे हर अपने बच्चों का तो पता है कि वो अगर पकौड़े समोसे वगैरह अगर इस तरह की चीज़ें खा लेना तो फिर उन्होंने सैरी नहीं करनी होती, लेकिन मुझे हर अपने भतीजों और भौजों का था कि वो तो जाहिर सी बात है कुछ थोड़ा बहुत तो सैरी में लेंगे ही, लेकिन खैर उन्होंने भी कुछ नहीं लिया। मेरे ख्याल से आप पराठा भी इन लोगों ने नहीं खाया था। और जिस मुश्किल से मैं सैरी को उठी हूँ ना मैं वो आपको बता नहीं सकती, जिसम में शदीद किस्म की पेन हो रही थी। तो खैर मैंने समझा कि चलें जी अब रेस्ट करूँगी तो बस जी तबीयत हो जाएगी ठीक, लेकिन नहीं जी दूसरे दिन उठी हूँ तो उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब, तीसरे दिन और ज़्यादा ख़राब। तो इस तरह जी तबीयत जो है ना वो कुछ ज़्यादा नासाज हो गई है। और अब जी ये जो मैंने व्लॉग जिस तरह से अपलोड किया ना वो जी आपकी सोच है, 3-3.5 घंटे जी मुझे इसकी एडिटिंग करने में लगे। खैर इसकी जो एडिटिंग थी वो तो 1.5 घंटा 1 आवर लगा होगा, लेकिन इसकी वॉइस करने में जो है ना वॉइस ओवर करने में मुझे 2.5 घंटे 2 घंटे तो लगे होंगे, क्योंकि मुझे खांसी इस कदर शदीद है कि जब भी मैं इसकी वॉइस ओवर करना स्टार्ट करती हूँ खांसी साथ स्टार्ट हो जाती है
और फिर आप सोच सकते हैं कि मैंने इस तरह से कैसे से इसकी एडिटिंग की होगी और कैसे से मैंने इसकी वॉइस ओवर की होगी। तो बस आप मेरे अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से ये हम्बली रिक्वेस्ट तो बनती है कि प्लीज़ जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे आएँ वो मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के बाद मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और साथ ये प्यारा सा कमेंट भी कर दें। जी आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन ये बात आपकी मेरे लिए क्या मायने और क्या अहमियत रखती है और मेरा इससे कितना हौसला और हिम्मत बढ़ जाएगी, जी आपकी सोच है। तो जी हाँ, सेहत के भी लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियाँ मुझे जल्द अज जल्द सेहत याब करे। और उसके बाद जी अब चलते हैं ज़रा अपनी सैरी की तरफ। पराठे मेरे जी हो चुके हैं रेडी, उसके बाद जी ये जो अमलेट थी स्प्रिंग आनियन और बंद गोभी की, ये जी अब चीज़ें हो चुकी थी सॉफ्ट। अब मैंने ये 2 से 3 एग जो हैं वो तोड़ के डाले और बस उसके बाद जी फिर मैंने बच्चों को उठाना शुरू किया। अच्छा जी, जब मैं सैरी टाइम उठी हूँ ना उस टाइम भी बच्चे जो है ना वो जाग रहे थे। जब मैं आई हूँ किचन में तो जी पीछे से बच्चे सो गए। बस जी बच्चों को बड़ी मुश्किल से उठाया और बस बच्चों को उठाते उठाते जो है ना वो रोज़ा बंद होने का टाइम होने वाला था। मेरे ख्याल से टोटली 15 से 20 मिनट रह गए थे जब बच्चे उठ के दस्तरखान पे आके बैठे। उसके बाद खैर मेरी मुझे वीडियोस वगैरह शूट करने की कोई होश नहीं रही। बस फिर जल्दी जल्दी मैंने दस्तरखान लगाया और लगा के फिर मैंने जो सैरी थी वो लगाई। और ये जी चने की दाल थी ये भी मैंने रात की गर्म कर ली थी, साथ ये मैंने स्प्रिंग आनियन और बंद गोभी की अमलेट जो है वो रेडी की। और उसके बाद फिर मैंने दस्तरखान लगा के सैरी लगाई और फिर मेरे ख्याल से बच्चों सब बच्चों ने टोटली 4 to 5 बाइट्स लिए होंगे कि अजानें जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी। तो बस जी ये थी हमारी सैरी। उसके बाद शाम को अफ्तारी भी ये अब किसी की तरफ से आई थी, ये नान थे, कोफ्ते थे, पकोड़े थे और साथ चाट थी। चाट फिर मैंने घर पे भी रेडी की हुई थी और साथ जो है वो मैंने समोसे जो है ना ये देवरानी ने कल लाए थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे, तो साथ देवर देवरानी को भी बुला लिया था। तो बस ये थी हमारी इफ्तारी। उसके बाद जी ये मेरी कुछ दोस्त ने ईद के गिफ्ट भिजवाए थे, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा सूट था जिसमें चूड़ियाँ थी, मेहंदी थी, पैसे थे, सब चीज़ें उनकी तरह बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी थी। लेकिन वो खुद नहीं हैं ईद पे, खुद वो ये चीज़ें भेज के गाँव चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया ईदी भिजवाने का। तो बस जी ये थी मेरी दोस्त की तरफ से हमारे लिए ईदी और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में होती हूँ हाज़र, अगर सेहत ने इजाज़त दी तब। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।